रुक करेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र में शनिवार सुबह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शनिवार सुबह बीजेपी ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिलवाई और वहीं अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया था, महाराष्ट्र को फिर शासन देने की जरूरत थी, साथ ही महाराष्ट्र को स्थायी सरकार देने का फैसला करने के लिए अजीत पवार का धन्यवाद किया। अजित पवार ने यह भी कहा कि परिणाम के दिन से लेकर अब तक कोई भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं था, महाराष्ट्र किसान के मुद्दों सहित कई समस्याओं का सामना कर रहा था, इसलिए हमने एक स्थिर सरकार बनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के दोबारा सीएम बनने पर बधाई दी है। पीएम ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को शपथ लेने पर बधाई। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि वो महाराष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगन से काम करेंगे। गृहमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम और अजित पवार को डिप्टी सीएम बनने पर बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मुझे विश्वास है कि ये सरकार महाराष्ट्र के विकास और कल्याण के प्रति निरंतर कटिबद्ध रहेगी और प्रदेश में प्रगति के नए मापदंड स्थापित करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को बधाई दी है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि श्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार को बधाई है। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र का विकास रथ तेजी से आगे बढ़ेगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि यह फैसला पार्टी का नहीं है। शरद पवार ने ट्वीट करके कहा कि महाराष्ट्र में गठित सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हम अजित पवार के फैसले का समर्थन नहीं करते। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि शुक्रवार अजित पवार बैठक में हमसे बात नहीं कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग ही थी, शरद पवार को भी ये महसूस हो गया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अजित पवार ने महाराष्ट्र की पीठ में खंजर घोपा, इससे शरद पवार का कोई संबंध नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने यह भी कहा कि सत्ता और धन का दुरुपयोग किया गया है, अंधेरे में पाप होता है, चोरी होती है, जिस तरह से अंधेरे में शपथ दिलाई गई इससे शिवाजी महाराज के नाम को बदनाम किया। जेएनयू कैंपस में हॉस्टल मैनुअल पर मचा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मुद्दे पर छात्र जहां लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब आम नागरिकों का भी उनका समर्थन करेंगे। आज सुबह 11 बजे मंडी हाउस के पास जेएनयू छात्रों के समर्थन में आम नागरिक प्रदर्शन करेंगे। वहीं फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों के बाद अब विश्वविद्यालय के करीब 160 शिक्षकों ने जेएनयू शिक्षक संघ से नाता तोड़ते हुए नया संघ बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जेएनयू के इन टीचर्स ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो टीचर्स के लिए टीचर्स की ओर से गठित की गई है। इन टीचर्स ने लिखा है कि एसोसिएशन अजीब तरह से काम कर रहा है। वहीं सीएम मनोहर लाल आज बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। यहां पर वो बीजेपी मंत्रियों और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई अहम मसलों पर चर्चा की। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई अहम मसलों पर राज्यपाल से बातचीत की। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी के 40 विधायक और विधानसभा चुनाव में हारे हुए 50 प्रत्याशियों से मुलाकात की। सिरसा पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंत्रिमंडल में अपना एक और मंत्री बनाने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में अभी एक पोस्ट खाली है, जिस पर भविष्य में होने वाले विस्तार में पार्टी कैबिनेट मंत्री भी बनाएंगे। करनाल में राइस मिलर्स घोटाले मामले में प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी है। प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान अपनी पेमेंट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसान बर्बादी की कगार पर है। कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद जेपी दलाल पहली बार भिवानी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल के भिवानी पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ता और लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की तरह पशुपालकों के भी केसीसी कार्ड बनाए जाएंगे और गायें भैंस भेड़ बकरी खरीदने पर सरकार की ओर से 4% लोन मिलेगा।
हिसार के प्रॉपर्टी सर्वे में भ्रष्टाचार का मामला प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज तक पहुंच गया है। वार्ड नंबर 20 के पार्षद प्रतिनिधि सुशील शर्मा ने सर्वे के नाम पर 2000 रुपए अवैध वसूली करने का सबूत एक सीडी शिकायत के साथ मेयर गौतम सरदाना को सौंपी। मेयर के आदेश पर कंपनी और आरोपी सर्वेयर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मेयर ने इस मामले से गृह मंत्री अनिल विज को भी अवगत करवाया। उधर कंपनी की ओर से सर्वे के नाम पर पैसे लेकर भ्रष्टाचार करने वाले दो सर्वेयरों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत। हिसार के जिला बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव में हुई हार को लेकर मंथन हुआ। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बीच हंगामा भी देखा गया। बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में सभी नेता एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए नजर आए। साथ ही कुछ कार्यकर्ता हताश और निराश भी दिखाई दिए। पंचकुला में हरियाणा उर्दू अकादमी की ओर से उर्दू पत्रकारिता में गैर मुस्लिम पत्रकारों का योगदान इस विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें 10 वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इसमें जनता टीवी की पत्रकार उमंग चौरान भी शामिल थी। पंचकुला में आयोजित सेमिनार की अध्यक्षता प्रमुख लेखक एवं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के पी सिंह ने की और मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह रहे। यहां पर इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रोफेसर जियाउर रहमान सिद्दीकी ने हरियाणा की गैर मुस्लिम पत्रकारों का योगदान शीर्षक पर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। पंचकुला में हरियाणा एचएसएससी जेई भर्ती के आवेदकों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने सामाजिक अर्थशास्त्र के अंक सिर्फ हरियाणा डोमिसाइल वाले छात्रों के लिए जरूरी करने की मांग। पलवल में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बीमारियों से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को यूनिवर्सल टीकाकरण किया जाएगा। इसके तहत समय समय पर 12 तरह की वैक्सीन भी लगाई जाएगी। ट्रिब्यून चौक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण के साथ 700 पेड़ों की होने वाली कटाई पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। चीफ जस्टिस रविशंकर झा और जस्टिस राजीव शर्मा की खंडपीठ ने अगले आदेशों तक निर्माण और पेड़ों की कटाई दोनों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। ट्रांसपोर्ट और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भ्रष्ट अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अब उनके तबादले नहीं बल्कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मूलचंद शर्मा ने यह भी कहा कि माइनिंग ठेकेदार अगर सरकार का हिसाब नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अवैध रूप से अगर कोई खनन करता पाया गया और उसमें अधिकारी या फिर कर्मचारी की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी में सोनीपत में बार के उपप्रधान के साथ एसपी की ओर से गलत बर्ताव करने के विरोध में वर्क सस्पेंड रखा। गुस्साए वकीलों ने सोनीपत एसपी के तबादले की मांग। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस अपडेट मशीनों के साथ नियमों की अनदेखी करने वालों पर एक्शन करेगी। ऐसे में कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी काटा गया। चंडीगढ़ में एनसीसी दिवस पर 130 एनसीसी कैडेट्स की साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली को मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। केशनी आनंद अरोड़ा ने पराली प्रबंधन पर कहा कि किसानों को सरकार जागरूक कर रही है और पराली जलाने के मामले में करीब 60% कमी आई है। गोहाना बस स्टैंड में अवैध तरीके से काम करने को लेकर तालमेल कमेटी की राज्य स्तरीय मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आजाद मलिक समेत कई नेता मौजूद रहे। आजाद मलिक ने सोनीपत रोडवेज विभाग के जीएम और टीएम पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने और दोषी कर्मचारियों को बचाने के आरोप लगाए। आजाद मलिक ने कहा कि वो जल्द ही सबूतों के साथ एक रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देंगे। गुहाना के आहुलाना गांव में स्थित चौधरी देवीलाल शुगर मिल को जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने आहुलाना शुगर मिल में दूसरे जिलों का गन्ना लिया तो वो अपने गन्ना इस मिल को नहीं देंगे और दूसरे जिले का गन्ना भी इस मिल को नहीं डालने दिया जाएगा। नीलोखेड़ी में बैंकों के बाहर लुटेरों ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पूर्व सैनिक दिलीप सिंह से 10,000 रुपए की ठगी की। साथ ही लुटेरे पूर्व सैनिक की सोने की अंगूठी भी लेकर फरार हुए। लूट के बाद पीड़ित दिलीप सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी पूर्व सैनिक को होश नहीं आया, जिससे मामला लगातार गरमाया हुआ है। बल्लभगढ़ में मेन मथुरा रोड पर बिजली के खंभे से एक कार टकरा गई, जिसमें बैठे चार लोग जबरदस्त एक्सीडेंट के बाद सुरक्षित बाहर निकल गए। गाड़ी के बिजली के खंभे से टकराने का वीडियो हाईवे पर स्थित एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें हादसे की घटना साफ दिखी।
दिल्ली दौरे के चौथे दिन हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के काम में तेजी लाने का अनुरोध किया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के लिहाज से इस रेल लाइन की वजह से लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा, साथ ही प्रदेश में निवेशकों की संख्या भी बढ़ेगी। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि ऊना हमीरपुर रेल लिंक को भारत सरकार से 100% धनराशि उपलब्ध करवाए, जिसके लिए मामला पहले ही केंद्र में उठाया जा चुका। सीएम जयराम के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे मुलाकात की है और साथ ही रोहतांग टनल जल्द शुरू करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम जयराम मिले। सीएम जयराम ने इन्वेस्टर्स मीट के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, साथ ही प्रदेश के विकास कार्यों पर चर्चा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यों के लिए कनेक्टिविटी एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही मीटिंग में बिना किसी शुल्क के बिजली और पानी की लाइनें बिछवाने की भी अपील। सीएम जयराम ठाकुर की मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने हर संभव कोशिश करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाड़े में कटौती के मामले पर अध्ययन करने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की। सीएम ने पोस्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप फंड की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति जिला प्रतिवर्ष करने की भी अपील की। साथ ही बाल संरक्षण सेवाएं योजना के तहत प्रत्येक बाल केंद्र संस्था में 4 सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने का भी आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने दिल्ली दौरे के बाद ऊना आएंगे। बता दें कि 24 और 25 नवंबर को सीएम जयराम ऊना में ही रहेंगे, जिसको लेकर प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी। नैना देवी विधानसभा के विधायक रामलाल ठाकुर ग्राम पंचायत स्वाहरण के गांव में खुला दरबार लगाया। इस दरबार में उन्होंने ग्रामीणों की जन समस्याएं। इस मौके पर रामलाल ठाकुर के साथ बिलासपुर के जिला परिषद अमरजीत सिंह बंगा भी मौजूद रहे और इस दौरान गांव के विकास कार्यों के लिए विधायक निधि ने लाखों रुपए की धनराशि। मनाली की ऊंची चोटियों पर हिमपात जारी है। पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में है, जिसके चलते तापमान में काफी गिरावट है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली और शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति की ऊंचाई वाली चोटियों में बर्फबारी होने की संभावना है। मंडी और सोलन में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि आज और कल दोनों दिन मौसम ठंडा रहेगा। इसके बाद 24 और 25 को मौसम ठीक रहने के बाद 26 से फिर बर्फबारी और फिर बारिश का दौर शुरू होगा। वहीं मंडी में सेरी मंच के पास पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अनिल शर्मा का चालान काटा गया। अनिल शर्मा की गाड़ी सड़क पर खड़ी करने के बाद उनका चालान काटा गया। वहीं धर्मशाला नगर निगम में पिछले 2 सालों से घरों और होटलों के नक्शे पास करवाने के लिए आवेदन जमा किए गए हैं, लेकिन नगर निगम की सुस्त कार्यप्रणाली से लोग काफी परेशान हैं। नगर निगम की सुस्त कार्रवाई को लेकर नगर निगम धर्मशाला के कमिश्नर और मेयर देवेंद्र जग्गी ने बैठक की और फैसला लिया कि ऑफलाइन जमा हुए करीब 152 नक्शों को 10 दिन के अंदर ही पास किया जाए। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह 28 नवंबर को एनआईटी में होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शिरकत करेंगे। बंडारू दत्तात्रेय विश्वविद्यालय के 398 छात्र छात्राओं को डिग्रियां देंगे और सभी छात्र भारतीय परिधान में डिग्रियां लेंगे। इनमें 15 स्टूडेंट्स को स्वर्ण जबकि 14 को रजत पदक दिए गए। रामपुर में मंडल के अध्यक्ष भीमसेन ठाकुर बनाए गए। नवनियुक्त अध्यक्ष ने रामपुर के सर्किट हाउस में अपनी भावी रणनीति को जाहिर किया। रामपुर के अलग अलग इलाकों से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भीमसेन ठाकुर का स्वागत किया। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष भीमसेन ने कहा कि संगठन में गुटबाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांगड़ा के ज्वालाजी अस्पताल में हाईमास्क लाइट के खराब होने पर स्थानीय लोगों ने कहा कि लाइट न होने से चोर अंधेरे का फायदा उठाते हैं, जिससे अस्पताल में चोरियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से गुरदासपुर चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर किसानों का धरना जारी है। गन्ने की बकाया राशि को लेकर 90 गांवों के किसान धरने पर बैठे हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। जालंधर में एनसीसी की ओर से नशे के खात्मे को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में नशे की दलदल में फंस चुके 9 ऐसे युवकों ने अपनी आप बीती सुनाई और लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। पंजाब के लगभग सभी जिलों में डेंगू ने पैर पसार लिए हैं, जिसके कारण अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की भीड़ लगी है। हालात ये हैं कि अस्पतालों में पांव रखने की भी जगह दिखाई नहीं दे रही है।
जनता टीवी ने रात मोहाली के जिला अस्पताल का दौरा किया और जाना कि अब तक अस्पताल में डेंगू का इलाज करवाने के लिए कितने लोग आए हैं और पिछले कुछ दिनों से कितने मरीज दाखिल हैं। सिविल सर्जन का कहना था कि पिछले साल के मुताबिक इस साल डेंगू के कम मरीज काफी कम हैं। लुधियाना में दिन दहाड़े लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी बीच लुधियाना में एक महिला चोर ने शोरूम का शटर उखाड़ कर लाखों रुपए के कपड़ों पर हाथ साफ किया। महिला चोर गिरोह में 15 लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं चोरी की इन वारदातों से लुधियाना के लोगों में दहशत का माहौल। नकोदर पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तीन आरोपी गैंग बनाकर लोगों के हथियार दिखाकर लूटपाट करते हैं। पुलिस ने बताया कि लीतरा में नाकेबंदी के दौरान तीन लोगों को रोका गया, लेकिन पुलिस को देखकर वो भागने लगे। इनमें से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान ऊपर खालसा गांव का रहने वाले पवन के रूप में हुई है। गिरफ्तार शख्स के पास रिवॉल्वर और 315 बोर के जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। खन्ना में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ फतेहगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया और डीसी ऑफिस के सामने नारेबाजी की। बठिंडा में लूट करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 18 नवंबर को कुछ बदमाशों ने मौड़ मंडी में रेलवे स्टेशन के पास गन पॉइंट पर एक व्यक्ति से पर्स और मोबाइल छीन लिया और वो मोबाइल छीनकर भाग गए थे। पंजाब में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। सुजानपुर में सुबह सर्दी की पहली गहरी धुंध दिखाई दी। धुंध के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी रेंगती थी। दुनिया में इस वक्त अगर किसी एक मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा आंदोलन और प्रदर्शन चल रहे हैं तो वो है क्लाइमेट चेंज के मसले पर। भारत से लेकर फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका, हर जगह जलवायु परिवर्तन का मसला उठ गया है। जलवायु परिवर्तन मामले को लेकर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्लाइमेट इमरजेंसी को ही 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इसमें क्लाइमेट इमरजेंसी के अलावा क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट डिनायल, इको एनेक्सिटी और एनेक्सेशन और क्लाइमेट चेंज शामिल है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने गुरुवार को आम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में देश को औपनिवेशिक अतीत का लेखा जोखा प्रस्तुत करने की भी शपथ लेने के साथ 100 साल पहले हुए अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भारत से माफी मांगना शामिल है। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत टीम ने 68 रनों की बढ़त के साथ 3 विकेट खोकर 174 रन बना लिए। फिलहाल क्रीज पर कप्तान विराट कोहली 59 रन और रहाणे 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश की पूरी टीम गुलाबी गेंद का सही तरीके से सामना नहीं कर पाई और 106 रनों पर ही सिमट गई। टीम के लिए सबसे ज्यादा सलामी बल्लेबाज इस्लाम ने 29 रनों की पारी खेली। गुलाबी गेंद से खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय प्लेयर्स पूरे रंग में नजर आए और आपको बता दें जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरी टीम 30.3 ओवरों में ही पवेलियन लौट गई। इस दौरान भारतीय तेज गेंदबाजों को ही पूरे 10 विकेट मिले। ईशांत शर्मा की घातक गेंदबाजी के आगे एक भी बांग्लादेशी बल्लेबाज नहीं चल पाया। सनी लियोनी ने टॉपलेस होकर अंगूर और पानी से भरे एक टब में बैठे हुए अपनी एक वीडियो शेयर की। इस वीडियो में उनके दोनों हाथों में अंगूर हैं और वो मस्ती करती हुई नजर आ रही है। हाल ही में कपिल शर्मा ने अर्चना पूरन सिंह का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो शेयर किया है, लेकिन कपिल का अर्चना का यूं मजाक बनाना फैंस को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर कपिल की आलोचना की जा रही है। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने भी इंडस्ट्री में कई सितारों के साथ काम किया है। तो फिलहाल 100 खबरें फटाफट में इतना ही।